सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हम मुलाकात करते हैं एक ऐसे चेहरे की जो अभी तक छुपा हुआ भी था और छुपाया हुआ भी गया था, वो इसीलिए क्योंकि जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वो नेट क्वालिफाई हमारे मिस्टर लोकेश साहब हैं, जिन्होंने नेट क्वालिफाई करने के बाद अपने जीआरएफ को दिया और जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो आज किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉलेज से अप्रूवल भी प्राप्त कॉलेज जो हैं वो हमारे सीनियर साहब के पास में आ रहे हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं ऐसे ही शख्स से और पूछते हैं उनकी नेट और जीआरएफ से रिलेटेड हुई कहानी की और कुछ हुई थोड़ी बहुत गड़बड़ की। तो प्लीज़ सर, जैसा कि आपने हमारी इनिशिएटिव को भी देखा है कि एक हिडन पीपल के नाम से सीरीज लॉन्च की थी जिसमें कॉमन मैन से लेकर वीआईपी तक सबको कवर कर रहे थे, जिसमें आपका नाम शामिल था, वो इसीलिए क्योंकि आप अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हो, लेकिन हमारा तो ये है कि हम तो दिखा के रहेंगे। तो इसी बात पे हम सर के पास में आ चुके हैं। सर प्लीज़ अपने बारे में प्लीज़ बताइए ऑडियंस। मेरा पूरा नाम लोकेश शर्मा है और मैं बदायूं जनपद का ही निवासी हूँ, मूल रूप से यहीं पैदा हुआ, यहीं रहा, यहीं पला बड़ा। हालांकि थोड़ी सी उच्च शिक्षा के लिए बाहर भी जाना पड़ा। शुरुआती शिक्षा जो रही है मेरी 12वीं तक की, वो यहीं बदायूं से ही हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद लगभग 2 या 3 साल के गैप के बाद मैंने मास्टर्स रेलखंड विश्वविद्यालय से किया है पॉलिटिकल साइंस में, और फिलहाल मैं राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। शुरुआत हालांकि मैंने विज्ञान वर्ग के साथ की थी, लेकिन फिलहाल मैं साहित्य के साथ होते हुए फिलहाल राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा पढ़ने पढ़ाने के स्तर पर कार्य कर रहा हूँ। यही बदायूं में अध्ययन और अध्यापन दोनों का ही कार्य चल रहा है। क्या बात है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस क्या शुरू से ही पसंदीदा सब्जेक्ट रहा था? नहीं, पॉलिटिकल साइंस शुरू से मैंने कभी नहीं सोचा था कि पॉलिटिकल साइंस भी मैं पढ़ूंगा, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो मैंने विज्ञान से ही पढ़ी है और बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स कंप्लीट किया था। लेकिन होता क्या ना कि शुरुआत से ही साहित्य की तरफ जरूर रुझान था, 12वीं से ही छोटी मोटी तुकबंदी करना है, ये सब चीज़ चलती रहती थी। लेकिन उसके बाद फिर सोचा कि जब प्रतियोगी परीक्षा के दौरान कोई व्यक्ति जो ग्रेजुएशन कर लेता है उसके बाद वो प्रतियोगी परीक्षाओं तरफ जाता ही जाता है, वो चाहे बैंक के लिए करे या वो चाहे एसएससी के लिए करे या फिर वो पीसीएस आईएएस किसी भी के लिए करे, उसको जीएस पढ़ना ही होगा। तो मैं भी कोई अपवाद तो था नहीं, मैंने भी जीएस को पढ़ा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े। उसके बाद फिर जो कि आप डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को डेली पढ़ते हैं, समाज को पढ़ते हैं, तो ऐसे मैंने सोचा कि ये विषय इसी के लिए बनाऊँ। हालांकि मैथमेटिक्स पढ़ रहा था लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही थी, और संतुष्टि मुझको मानवीय विषयों में मिली, जिसको जो बोलते हैं ना एक बहुत बड़ी खाई होती है, उसको राजनीति विज्ञान में भरा और इसको फिर मैंने अपने भविष्य का विषय बनाया। और सोचता हूँ कि अगला जो भी जीवन है या ये जो आने वाला जीवन है राजनीति विज्ञान को ही दूँ, इसको ही पहले तो सबसे पहले खंगालने की कोशिश करूँ कितना है, और जो कुछ हो सकता है अपना थोड़ा योगदान भी दे सकूँ राजनीति विज्ञान। क्या बात है। तो सर आपके शब्दों में राजनीति विज्ञान है क्या? राजनीति विज्ञान अगर देखें तो बहुत ही स्पष्ट भाषा में व्यापक रूप से देखें तो राजनीति विज्ञान केवल राज्य का विज्ञान है। राज्य को चलाने वाली नीतियाँ, राज्य को चलाने वाली संस्थाएँ, संरचनाएँ, इन सब का ही अध्ययन किया जाता है, तो वह राजनीति विज्ञान। लेकिन यदि राजनीति विज्ञान को और बड़े रूप में देखें तो बोला जाता है, अरस्तु ने भी इसको बोला है कि ये मास्टर साइंस है, क्योंकि राज्य नहीं होगा तो और कौन से विषय होंगे। इस समय राजनीति एक संकट के रूप में आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में जूझ रहा है, और अफगानिस्तान की केवल राजनीतिक व्यवस्था खराब है, वहाँ की इकॉनमी, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता सब खराब हो चुकी। किसकी वजह से? केवल एक राजनीतिक वजह से। इसलिए राजनीति इस समय और लगभग किसी भी युग में आप समझ सकते हैं राजनीति हमेशा और हमेशा सर्वोच्च विज्ञान के रूप में हमेशा रहा है। तो क्या आपको देखकर या औरों को देखकर लोगों को राजनीति विज्ञान में आना चाहिए? राजनीति विज्ञान में मैं आने की सलाह नहीं दूंगा, ये तो आपकी रुचि की बात है, लेकिन आपको 12वीं तक नागरिक शास्त्र जरूर पढ़ाया जाता है,
और नागरिक शास्त्र आप चाहे एनसीईआरटी के सिलेबस में देख लीजिए, चाहे आप यूपी बोर्ड के सिलेबस में देख लीजिए, बारहवीं तक हर व्यक्ति को जो भी आर्ट साइड से होता है उसको नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है। और यदि आप टेंथ तक देखेंगे तो कंपलसरी होता है एसएसटी के नाम से। तो आप राजनीति विज्ञान को आप उस टेक्निकल टर्म्स में ना पढ़ें, लेकिन राजनीति की वे जो आधारभूत मान्यताएं हैं, जो बुनियादी अवधारणाएं हैं, स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, जनता क्या होता है, सरकार कैसे चुनी जाती है, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में एक सामान्य जानकारी तो ले सकें, ताकि आप जब प्रौढ़ अवस्था में आए, बुजुर्ग हों, ट्रेन में मूंगफली चबाते हुए जब आप चर्चा करें राजनीति पे, तो कोई गप वाली चर्चा ना करें, एक अच्छी चर्चा करें, जिसे बोलते हैं स्वस्थ परिचर्चा। उसके लिए आपको नागरिक शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, राजनीति आप पढ़ें या ना पढ़ें। तो सर, जैसा कि आप राजनीति विज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, मतलब ज्ञाता का मतलब हम ये नहीं कहेंगे, सर भी अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहते, लेकिन आपको वो सारी नॉलेज है जो हर किसी को नहीं होती, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं है वो नॉलेज। तो इस समय जो कि माहौल जैसा कि चल रहा है, बहुत पॉलिटिक्स जो है आजकल दौड़ रही है, बहुत रन कर रही है, कोई जाति के पीछे, कोई धर्म के पीछे, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि एज अ राजनीति, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हैं, तो अच्छी तरीके से आप प्लीज़ कोई अच्छा सा अगर मैसेज हो आपके पास में तो प्लीज़ वो कन्वे करिए हमारी वीडियो। देखिए, राजनीति में जाति, धर्म, संप्रदाय ऐसा नहीं है कि भारत में ही हो केवल, ये जो भी देश रहा है, चाहे अंग्रेज की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामक वो राजनीति वहाँ पर चली थी एक समय में, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ श्वेत और अश्वेत के बीच चली थी, और जो आज भी रंगभेद है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ भी श्वेत और अश्वेत की राजनीति चली थी, और हमारे यहाँ वह श्वेत अश्वेत के रूप में उतनी अच्छे रूप से मुखर नहीं हुई है, यहाँ जाति के रूप में मुखर हुई है, तो ऐसे में धर्म के रूप में मुखर हुई है। लेकिन देखिए, जाति से आप धर्म कभी ख़त्म नहीं कर, सॉरी, आप राजनीति से धर्म और जाति कभी ख़त्म नहीं कर सकते भारत के भीतर। लेकिन जब भी यदि आप जाति के आधार पर ही वोट देते हैं, धर्म के आधार पर ही वोट देते हैं, तो आप उस व्यक्ति को दो जो आपके विकास के बारे में बात करता हो, जो आपकी शिक्षा के बारे में बात करता हो। जैसे हम इस समय मानते हैं दलितों के सबसे बड़े नेता अम्बेडकर थे, लेकिन अम्बेडकर ने इसलिए वोट नहीं मांगा आपसे कि आप दलित हैं, अम्बेडकर ने इसलिए आपको सपोर्ट किया, उनका नारा भी शिक्षित बनिए, एकजुट रहिए और संघर्ष कीजिए। अगर आपका भी कोई नेता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमानी नेता हो, चाहे वो कोई भी धर्म का अलग धर्म का नेता हो, लेकिन यदि आपके सच्चे हित के बारे में बात करता हो तो आप बिल्कुल उसको वोट दीजिए। और लोकतंत्र क्या है, जो आपके हितों का प्रतिनिधित्व करे उसको आप संसद पहुँचाइए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप धर्म के आधार पर वोट नहीं दीजिए, बिल्कुल दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने हित कौन से, जो आपके दीर्घकालिक हित हो, तात्कालिक हित नहीं। लेकिन जब धर्म कट्टर हो जाए, जाति कट्टर हो जाए, ऐसे लोगों से बचिए। जो भी टीवी पर सुबह शाम न्यूज़ के रूप में आपके भीतर जहर घोला जाता है, उससे बचिए। न्यूज़ को कम देखिए, बिल्कुल देखिए तो अपना दिमाग लगा के देखिए, ताकि अच्छा आज समय क्या सूचना क्रांति का दौर है, आपके पास न्यूज़ बहुत जल्दी पहुंचती है, और कभी भी आप ये नहीं सोचते हैं अच्छी है गलत है, कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, हमारे सामने कैसे परोसा गया उसको। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे के तैसे जो एंकर बोलते हैं उसको मान लेते हैं, उसके आधार पर अपने पॉलिटिकल व्यूज़ बना लेते हैं। इसलिए सलाह ये है, एक न्यूज़ को चार स्रोतों से या तीन स्रोतों से देखिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, उसके बाद देखिए। जैसे क्या होता है, आप बजट हर साल पारित होता है, पक्ष के जो एंकर होते हैं उस बजट में इतनी खूबियाँ बताते हैं, लगता है कि इससे पहले भारत के स्वाधीनता के बाद ऐसा बजट आया ही नहीं था कभी। और जो विपक्ष के लोग होते हैं कहते हैं जितना बेड़ा गर्क इस बजट ने किया, इससे पहले हुआ नहीं था, हालांकि वो भी पार्ट पहले भी विपक्ष में कभी रहे होंगे, उन्होंने ही बजट खराब से खराब दिए होंगे। तो ऐसे में एक न्यूट्रल अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए, संपादकीय जरूर पढ़िए न्यूज़पेपर में, लेकिन उसकी विचारधारा से बच के रहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे लोकेश साहब ने पढ़े लिखों वाली, समझदारी वाली, अपनी GRF और नेट क्वालिफाई की गई उस काबिलियत के आधार पर जो कुछ बोला है, एक्चुअल में वही हमारे इस चैनल का, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का उद्देश्य भी यही था कि आप जो है अधर्म से धर्म की ओर आइए, आप निराशा से आशा की ओर आइए, आप सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो जहर से अमृत की ओर आइए, और ये वही अमृत की धारा है जिसको हम सभी लोग प्रवाह करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस
प्रवाह का हिस्सा बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रवाह को कोशिश करिए बहाने की, हर जगह मेड़ बना दीजिए ताकि ये प्रवाह कहीं रुके ना। इसी आशा के साथ में और चलते हैं, हम सुनते हैं सर से नेट और जीआरएफ की कहानी। तो सर आपको नेट ही क्यों क्वालिफाई करना था वैसे? जब मैं एमए कर रहा था, एमए के बाद मेरा कोई प्लान नहीं था कि नेट भी कुछ होता है, मुझे पता भी नहीं था। जिस विद्यालय से मैं कर रहा था वहाँ के प्रोफेसर से उसके बारे में पता चला कि नेट जैसा कोई एग्ज़ाम होता है और उसको आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, यही एक अच्छा एग्ज़ाम है। फिर मैंने कहा पीएचडी क्या होती है, तो सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो पता चला कि जेआरएफ भी कुछ होता है जो आप नेट से भी अच्छे अंक अगर लेके आते हैं तो बोलते हैं कि ऊपर के 2 या 3% हो गया, 1% शायद ऐसा होता है कि आपको जेआरएफ प्रोवाइड होता है। उसके आधार पर आपको मंथली कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, इसके आधार पर अपनी आगे की पढ़ाई आप कर सकते हैं पीएचडी के लिए, फिर आप पीएचडी कर सकते हैं जेआरएफ के थ्रू। तो मैंने कहा ठीक है, ये एक बेहतर प्लान रहेगा क्योंकि आप एक उम्र के बाद परिवार पर दबाव नहीं देना चाहते हैं आर्थिक रूप से। तो फिर वहीं से प्लान बना, उसके बाद अगला फॉर्म भरा। 2.5 महीने का अंतराल था एग्ज़ाम में और फॉर्म भरने में, और जय श्री राम बोल के जुट पड़े, जो होना था तो होगा। पहला अटैम्प्ट था, डर भी लग रहा था, बहुत सारे प्रोफेसर से बात भी हुई, कुछ जो क्वालिफाइड लोग थे उनसे भी बात हुई। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी का भी नहीं होता है। तो हम देने पहुंच गए, आंसर की आई, नहीं चेक की, जो है देखा जाएगा। रिजल्ट आया, रात में सो रहे थे, फोन आया दोस्त का, रिजल्ट आया है, देखा तो वो क्वालिफाई कर गया था। तो पहली बात तो यकीन नहीं हुआ, जब देखा तो पता चला कि जेआरएफ से एक क्वेश्चन से रह गया है, तो अफसोस भी हुआ। सुबह कॉलेज पहुँचे तो सर ने बोला कि जो है उसमें संतोष करिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, आज नहीं कल आप योग्य होंगे तो जेआरएफ भी करेंगे। और मैंने अपने तीसरे अटैम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। क्या बात है, तो आपने नेट जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। क्या बात है, हम ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठे हुए हैं जिसका दिमाग सच में बहुत तेज है पढ़ाई को लेकर। अब ये नहीं गाली गलौज देने निकल जाए, इसमें तेज है दिमाग, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई में है। और मैं बस अभी आप लोगों को दिखा नहीं सकता, लेकिन इनके पास में पढ़ाई करने के लिए बुक्स बहुत अच्छी अच्छी रखी हुई हैं, और ऐसी ऐसी बुक्स रखी हैं जिनसे इनको नॉलेज मिलती है, इनके पास में विचार आते हैं। और हम जो लोग सिर्फ न्यूज़ चैनल में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ से सिर्फ हमें एक ही चीज़ मिलती है और वो है धर्म का पता चलना कि अरे तू हिंदू और तू मुसलमान, और हम तुझे मारेंगे, हम तुझे मारेंगे बस। तो इसके अलावा हम लोगों को अब अपनी किताबों की ओर आना चाहिए, एटलीस्ट हम लोगों को उन किताबों को तो पढ़ना चाहिए जो हमारे धर्म से रिलेटेड। बिल्कुल, तो आपको ये करने की मोटिवेशन नेट या जीआरएफ या फिर मैं कहूँ इंस्पिरेशन किससे मिली थी? अपने फादर से, अपने अंदर से ही आया या किसी एक्सटर्नल फैक्टर को देखकर आपके पास में ये विचार आया? नेट और जीआरएफ के लिए तो जैसे मैं बोलता हूँ ऑफलाइन तो कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं जिस जनपद बदायूं में रह रहा हूँ यहाँ पर मेरी जानकारी में पॉलिटिकल साइंस से कोई भी नेट नहीं था उस समय, जिससे मैं सीख सकूँ कि आपने निकाला है आपने नहीं निकाला है। जो भी कुछ था जहाँ से मैंने सीखा या इंस्पायर हुआ वो ऑनलाइन माध्यम ही था। कि इससे पहले जिससे सीनियर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ऑल इंडिया 4 रैंक नेट में ही अचीव किया था, तो वहीं से इंस्पिरेशन मिला कि आप कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। और जब बुक्स एक जैसी हैं आपके पास, समय भी है, तो कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ना नहीं होता है, बस कुछ पुराने प्रश्न पत्र है, ट्रेंड देखते हैं और बस करते हैं तैयारी। क्या बात है, फाउंडेशन बुक्स हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में आप जाइए, चाहे UPSC में जाएंगे, UPSC फाउंडेशन बुक्स क्या है, NCERT PCS में NCERT, हर जगह आप NCERT पढ़ते हैं। और आइए उसमें नेट के दौरान भी आप एक बार NCERT को देखें, उसके बाद फिर अपनी फाउंडेशन बुक्स जो होती हैं जो भी आपकी विषय की हो उस पर आप जाइए और उसी आधार पर अपने नोट्स बनाइए और फिर आप बिल्कुल क्लियर करेंगे। इंसान ही क्लियर करते हैं, मंगल ग्रह से कोई नहीं आता, मंगल ग्रह से कोई नहीं आता, बिल्कुल ठीक कहा। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसा कि बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ में इंटरेक्शन हुआ, यादगार इंटरेक्शन रहेगा, और आप जो लोग देख रहे हैं हमारी जो आवाज़ है वो अलीगढ़ दिल्ली वगैरह सबसे जुड़े हुए, तो मैं चाहता हूँ आप एज अ एजुकेशन के तौर पर, क्योंकि आप एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आपने इसी चीज़ को प्रूफ करके भी दिखा दिया नेट और GRF क्वालिफाई करके, जो हर कोई नहीं कर पाता, वही कर सकता है जिसके पास में इंफॉर्मेशन होगी, और इंफॉर्मेशन आपके पास में, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ एट द एंड ऑफ वीडियो कि आप कुछ ऐसा मैसेज दीजिए जो शायद जिससे हमारी वीडियो और जो भी आप
चाहते हैं बच्चे अगर पढ़ना लिखना, तो प्लीज़ उनको मोटिवेट करिए कि वो एक्चुअल में ज़िंदगी में क्या करें। किसी को दूसरे को देखकर मोटिवेशन अपने अंदर लेकर आए, या वो अपने दिल को एक बार खंगोल लें, अंदर से आत्मा को बाहर निकाल के पूछ लें कि कुछ करना क्या है लाइफ में। देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद से पूछिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस विषय को कर सकते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स को कैरी किया और उसके बाद उसको छोड़ा, बहुत ही कठोर डिसीजन था कि आप ग्रेजुएशन के बाद फिर अपनी साइड पूरी की पूरी चेंज करते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। सबसे पहले आप किसी भी स्तर पे होता गया कि जब बच्चा ट्वेल्थ कर ले तो कहता हम फंस गए, देखो अब कभी नहीं फंसे हैं। हाँ, ये तो बात होता है कि बी ए करके आप एम एस सी नहीं कर सकते, लेकिन बी एस सी करके आप एम ए जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन की सुनिए, क्योंकि जब आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो आप भूखे होकर ही पढ़ सकते हैं। आप लंगड़े हैं, पैर में चोट लगी है और आप साहित्य को पसंद करते हैं और बहुत अच्छा उपन्यास आपको कोई बहुत अच्छे राइटर का मिल जाए तो आप कहते हैं कि एक बार ख़त्म कर लो इसको। तो सबसे पहले अपने मन की सुनिए और उसके बाद, आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति क्वालिफाइड बहुत है, एक से एक एम ए, एम एस सी, एम कॉम, पी एच डी होल्डर, प्रोफेसर्स बड़े बड़े भी हैं, लेकिन कुछ आधारभूत बोलते हैं जो मूल्य है उसकी कमी है और उसका कारण है साहित्य, साहित्य से दूरी। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी विषय को पढ़ें, आप एम एस सी करें, पी एस सी करें, आप किसी भी विषय को पढ़ें, आप रॉकेट साइंस पढ़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ आप साहित्य से जरूर जुड़े जीवन में। आप उपन्यास पढ़ें, आप गद्य पढ़ें, आप पद्य पढ़ें, और आप साहित्य ये नहीं है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स के नाम पता होने चाहिए, आपको उसकी विचारधारा पता होनी चाहिए। आपको अगर गरीबी देखनी है तो आप बाबा नागार्जुन को पढ़ सकते हैं, आपको अस्तित्ववादी विचारधारा पढ़नी है तो मोहन राकेश को पढ़ सकते हैं, आप धर्मवीर भारती को पढ़ सकते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट तो आपको इंटर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। उस हिंदी को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? आपका जो भी पाठ्यक्रम रहता है बहुत ही वैज्ञानिक विधि से होता है, उस वैज्ञानिक विधि का ही कारण है कि आपको हिंदी एज ए साहित्य भी और ग्रामर भी इंटर तक पढ़ाई जाती है। साहित्य आपके भीतर आप में रचनात्मकता लाता है, आप में कोई भी हो सकता है, आपको कविता कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन किताबों को जरूर पढ़ें जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। आपको वो किताबें उपन्यास हो सकती हैं, कोई भी आप उपन्यास पढ़िए, शुरुआत कीजिए। लोग डरते हैं कि उपन्यास बड़े बड़े कौन पढ़ेगा, कविताएं इतनी कठिन कठिन कौन पढ़ेगा, हमको अर्थ नहीं पता। मैं कह रहा हूँ सूरदास को ना पढ़ें आप, लेकिन कबीरदास को जरूर पढ़ें, बहुत सरल है, ठीक है। और उसके बाद हिंदी के बहुत अच्छे उपन्यास हैं। आप गेम को शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप छोटे मोटे राइटर्स को शुरुआत कर सकते हैं और वहाँ से अपने जीवन में परिवर्तन जरूर आएंगे। साहित्य आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मेरे खुद के एग्जाम्पल ऐसे हैं, साहित्य पढ़ने से पहले मैं मतलब मेरा मूल्य कुछ नहीं था मेरी ही नज़र में, लेकिन साहित्य पढ़ने के बाद मुझे स्वयं को कीमती में लगने लगा। ये साहित्य की देन है। क्या बात है। तो जैसा कि आपने देखा, इतना ज़बरदस्त इंट्रैक्शन शायद ही हमारे किसी वीडियो में हुआ हो, लेकिन ये वीडियो का आशय केवल और केवल आप लोगों को मोटिवेशन देने का और आप लोगों के अंदर ये सजगता लाने का कि ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा प्रयास कर सको जिसका हम पूरे भारत को, पूरी दुनिया को इंतज़ार है, क्योंकि हीरे भी आप ही लोग हों और उन हीरो को बस तराशना भी आप ही लोगों को काम है। कोशिश करिए अपने आप को वो पहचान लाने की जो एक्चुअल में आप हो। तो इसी आशा के साथ में चलते हैं कि ताकि दोबारा मुलाकात होगी एक नई उम्मीद और एक नए चेहरे और एक नई आशा के साथ में। धन्यवाद। जब तक आप सभी लोगों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद और जय भारत। नमस्कार।